इस चैनल में आपको मिलती है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट कोर्सेज. Thus, to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Hi everyone, welcome back to our channel, myself Namisha. जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल में आपको मिलती है अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉट मोर. तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए हम लेके आ गए हैं एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक. और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूशन का नाम है चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको आप CBIT के नाम से भी जानते हैं. बेसिकली हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है. इसके बारे में हम जानेंगे कि यार यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है सारे कोर्सेज को पढ़ने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है, प्लेसमेंट से रिलेटेड भी काफी इन्फॉर्मेशन है. एंड फाइनली हम इस कॉलेज को, इस इंस्टीट्यूशन को एक रिव्यू देंगे. 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम जज करेंगे कि इंस्टीट्यूशन कैसा है. सो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखें. एंड इन केस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ फॉर मोर सच अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट करियर ऑप्शंस, कोर्सेज एंड लॉट मोर. कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CBIT हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है. AICTE MBA अप्रूव्ड है, एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1979. सो काफी पुराना इंस्टीट्यूशन है. OU हैदराबाद के थ्रू इसको अफिलिएशन मिली हुई है एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है. नाक के थ्रू भी इसको अक्रेडिशन मिला है. ग्रेड बी का अक्रेडिशन इसको नाक के थ्रू अभी तक मिला हुआ है. अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स यहाँ से कौन कौन से कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं, सो आपको UGPG लेवल कोर्सेज मिल जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द BTech बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी. आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. दो स्ट्रीम्स में अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग, जिसके लिए आपको TSEA MCET एग्जामिनेशन देना है जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है. नेक्स्ट हम बात करें तो आप MBA कर सकते हैं यहाँ से, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें CAT, MATS, SAT, ATMA जैसे एग्जामिनेशन एक्सेप्ट किए जाते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ से MCA कर सकते हैं, विच वेयर यू हैव टू गिव एग्जाम लाइक TSICET. देन आप MTech कर सकते हैं, जो दो स्ट्रीम्स में अवेलेबल है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. वहीं दूसरा स्ट्रीम की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन गेट का एग्जामिनेशन आप देंगे उसके स्कोर के बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि आप एलिजिबल है भी या नहीं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एमटेक जैसा कोर्स परस्यू करने के लिए. आगे हम बात करें तो आप BE कर सकते हैं, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, जो आज स्ट्रीम्स में अवेलेबल है. अगर हम स्ट्रीम्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जैसे कुछ स्ट्रीम्स है. यानी आज स्ट्रीम्स में स्टूडेंट्स अपना BE जैसा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं. पर यार क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर इन सारे ही कोर्सेज को आपको पढ़ना है? तो उनकी अगर हम बात कर ले तो अलग अलग एग्जामिनेशन जैसे मैंने बताया एक्सेप्ट किए जाते हैं. अगर हम एग्जामिनेशन की नाम की बात करें तो अगर आप UG लेवल कर रहे हैं या BE BTech कर रहे हैं, 7 स्पेशलाइजेशन, 8 स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, तो डेफिनेटली सोच रहे होंगे यहाँ से करने के लिए, तो आपको देना होगा इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. ये उस पूरे एग्जामिनेशन को आप देने के बाद इसके स्कोर के बेसिस पे मिलेगा आपको यहाँ पर एडमिशन. वहीं अगर हम दूसरे कोर्स की बात करें, अगर आप ME करना चाहते हैं, मास्टर्स प्लान कर रहे हैं, तो PGECET जैसे मैंने आपको बताया देना है. इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो स्टूडेंट्स को देना होता है, या फिर आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग जो होता है वो आप देंगे. उसके स्कोर के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप यहाँ से यू नो फाइनली एलिजिबल है या नहीं पढ़ाई करने के लिए. ऑन द एंड अगेन एडिंग ऑन टू दिस, MBA ME अगर आप करना आते हैं, सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन इंटीग्रेटेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BTech अगर आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे BTech BE के लिए सेम है. 45% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे आपके 10+2 में, तभी आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए. एंड नेमिंग द स्ट्रीम्स, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसी में आपका 10+2 कंप्लीट करना चाहिए. MBA MCA की बात करिए, MTech की बात करिए, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए. 50% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स इज वॉट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. अगर हम बात करें बेसिकली, तो ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का परसेंटेज, ये है फॉर द जनरल कैटेगरी. यानी अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर आप SC ST OBC को बिलोंग करते हैं, तो 5-10% रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है. थोड़ा सा कम भी होगा तो भी शायद आपको यहाँ पर एडमिशन जरूर मिल जाएगा. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू फैसिलिटीज अवेलेबल हेयर, तो यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को मिल जाती है. अगर हम बेसिक की बात करें कि यार आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको हॉस्टल मिल रहा है या नहीं, अगर उसकी बात करें तो मैं बता दूँ यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटीज तो मिल जाती है. अगर
यू नो बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा. देन नेक्स्ट है बेसिक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कैफेटेरिया, मेडिकल जिम, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर लैब्स जैसी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिल जाती है. इसका कैंपस ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ 50 acres में यू नो सिचुएटेड है इसका कैंपस. आगे हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो स्टूडेंट्स वेट करते हैं जानने के लिए कि यार क्या प्लेसमेंट गया है यहाँ का, या किसी भी इंस्टीट्यूशन का. प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप फाइनलाइज करते हैं कि आपको किसी इंस्टीट्यूशन में जाना है या नहीं. क्यों प्ले करता है? बिकॉज ऑब्वियसली यार इतना आप खर्चा कर रहे हो, आउटकम कितना निकलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? तो इसके रिलेटेड हमने भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सर्च करके लाई है इस वीडियो में. अगर हम उसको नेम करें, हम उसकी बात करें, तो ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने काफी सारी डिटेल्स दी है. 1920 की अगर हम बात करें, यानी लास्ट ईयर की बात करें, उस डेटा के हिसाब से इनका कुछ 40 lakh का भी पैकेज गया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए. यानी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने अभी तक हायर किया है 41.0 lakhs में स्टूडेंट को लास्ट ईयर. अगर हम बात करें दूसरे को, यू नो दूसरे रिक्रूटमेंट कंपनीज की, तो अलग दूसरी कंपनीज जैसे मैग्नीट्यूड सॉफ्टवेयर एंड प्राइवेट लिमिटेड ने 7.7 LPA दिया है. डेलॉयट की बात करें तो 7.6 LPA दिया है. ओरेकल की बात करें तो 9.5, उससे थोड़ी ज़्यादा है. जारो एजुकेशन भी यहाँ पे आई है स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए 12.0. बाइजूस की बात करें तो 10 lakh का पैकेज दिया हुआ है. देन ऐसे ही NCR कॉरपोरेशन ने 7 lakh का पैकेज दिया हुआ है. दैट इज़ व्हाट दे आर क्लेमिंग एट देयर ऑफिशियल वेबसाइट. बट टॉकिंग अबाउट द रियलिटी, लाइक इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली यार ठीक है, क्लेम कर दिया हमने, अब स्टूडेंट देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि जरूरी इतने मिलते होंगे, हम भी जाएं, शायद हम भी एलिजिबल होंगे इस यू नो 40 lakhs ऑफ पैकेज के लिए, अर्न करने के लिए, बैठने के लिए, प्लेसमेंट में बैठने के लिए. पर क्या होता है ना, जब आप वहाँ जाते हैं तो कभी कभी जो रियलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, एंड वो हर चीज़ आपको ऑफिशियली नहीं बता सकते, आपको भी नहीं पता चल पाती है. इसीलिए हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप हमसे कॉल मैसेज करके बात कर सकते हैं. हमारे काउंसलर्स के पास काफ़ी सारी इसकी रियलिटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बताएंगे कि यार क्या ये सही में सच है, क्योंकि हर चीज़ कैमरे पर नहीं बोली जाती है. सो उसके लिए आप डायरेक्टली हमसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो ये तो था बेसिक ईयर. 41 lakh का इन्हें हाइएस्ट दिया हुआ है. एवरेज की बात करें तो 2 से 3 lakh के काफ़ी सारे पैकेजेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, उसके कम के भी स्टूडेंट हायर हुए हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम द प्लेसमेंट साइड. नाउ हम आगे बढ़ते हैं और फाइनली बात करते हैं अपने रिव्यू सेशन की, जहाँ पे हम रेट एंड रिव्यू करने वाले हैं इस इंस्टीट्यूशन को 6 parameters के बेसिस पे. अब वो पैरामीटर्स क्या है? अकेडमिक्स, अकोमोडेशन, फैकल्टी, सोशल लाइफ, प्लेसमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का कैसा है. ये सारी जो रेटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट का भी का फीडबैक फॉर्म है. यानी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमको फॉर्म भर के बताया कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनका क्या सोचना है इस इंस्टीट्यूशन के बारे में. 6 parameters की भी बात करें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है, तो उसका कलेक्टिव डेटा निकालकर हम फाइनल रेटिंग देने वाले हैं. अगर हम अकादमिक्स की बात करें तो हम इसको रेट कर रहे हैं 8.2 out of 10. वहीं हम अकोमोडेशन की बात करें तो वी आर रेटिंग 6.8 out of 10, क्योंकि स्टूडेंट्स ने इसके रिलेटेड काफ़ी रिव्यूज़ दिए हैं. क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्टल लाइफ की अगर हम बात करें तो वो ही बता सकते हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं, रह चुके हैं, उसके बेसिस पे हमने ये रेटिंग दी है. फैकल्टी की बात करें सो 8.2 हम इसको देते हैं फैकल्टी पे. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें सो इट्स जस्ट फाइन हमारे लिए, 7.8 हम इसे रेट करते हैं. प्लेसमेंट्स की बात करें तो वी आर रेटिंग 8 out of 10. 40 lakh का पैकेज इज क्वाइट इंप्रेसिव, बट रियलिटी अगर हम बात करें तो यह थोड़ा सा डिफर करता है, इसलिए हमने वहाँ पे डिफर किया है इसकी रेटिंग को. सोशल लाइफ की बात करें तो स्टूडेंट्स काफी एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसके बेसिस पे हम इसे देते हैं 8.5. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक. आज हमने बात करी चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CBIT के बारे में, जो हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है. सो आई होप मैंने आपके लिए सारी टॉपिक को कवर कर लिया है. बट इन केस अगर नहीं किया है या कुछ टॉपिक मुझसे रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आपको उस पर रिप्लाई मिलेगा एज सून एज पॉसिबल. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. दिस वॉज मी निमिषा चचाने साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एपिसोड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.